ये लुआंग में हमने एक कार्यक्रम रखा था आज किसानों से एक गुफ्तगु। इससे पहले आपको मालूम है कि जनसंपर्क अभियान के अंदर 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ लुआंग में हुआ था। इसमें हमने बताया था कि HADP के तहत हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट आए हैं उनका भरपूर फ़ायदा लिया जाए। उसी सिलसिले में जब मैं जनसंपर्क अभियान में नहीं आ पाया तो आज इनकी एक मीटिंग, जब मैंने टूर आज बनी का रखा है तो एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें सभी किसान साथियों से, किसान भाइयों से ये अपील की है कि HADP के तहत जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं, जो डिफरेंट जो सब्सिडीज़ की स्कीम लॉन्च हुई हैं जिसमें मशरूम, एपिकल्चर, एग्जोटिक वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ मैकेनाइजेशन, हाइब्रिड सीड्स, ऑयल सीड की स्कीम्स, इन सभी के बारे में आज डिटेल में चर्चा हुई है यहाँ के किसान साथियों से। और एक अपील की गई है कि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स और साथ ही साथ मशरूम और एपिकल्चर को अपनाया जाए, क्योंकि लुआंग के किसानों के पास आपको मालूम होगा कि ज़मीनें कम हैं, तो कम ज़मीन में इंटेग्रेटेड फार्मिंग पे हम अगर फोकस करें तो हमारी जो आमदनी है वो बढ़ सकती है और खुशहाली की तरफ हम कदम रख सकते हैं। मैंने सभी किसान साथियों से अपील की है कि HADP के तहत वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और जिस चीज़ की सब्सिडी उनको चाहिए उस सब्सिडी को हम मुहैया करवाएंगे। आपने देखा होगा, आप ही हमारे साथ थे नीचे, तारिक जी ने ऑफ सीजन वेजिटेबल में टमाटर की फसल में अभी पिछले 2 महीने में 60-70 हज़ार रुपये का सीज़न में टमाटर को बेचा। क्योंकि ये बनी का इलाके में ऑफ सीज़न वेजिटेबल के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण है और मेरा हमेशा पिछले 1 साल से जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा फोकस रहता है कि हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम, ऑफ सीज़न मशरूम पे कार्य करें जिससे हमारा इनकम और हमारी जो सोशल स्टेटस है, सोशल जो हमारी आमदनी है वो बढ़े और किसान जो है खुशहाली की तरफ कदम रखे। यहाँ का लोगों का कहना है कि आपने भी सुना कि मशरूम की फसल जो है वो इस बार ख़राब हो गई और आप मशरूम पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मशरूम ही एक ऐसी फसल है जो किसान को 4 गुना आमदनी दे सकती है। मशरूम के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पहले 2 महीने मशरूम कंपोस्ट बनाने में लगते थे, आजकल मैकेनाइज्ड यूनिट से बैग में सीड लगा हुआ मशरूम आती है। यहाँ जो मशरूम ख़राब हुई है कुछ कारणवश, इस साल का जो टेम्परेचर है वो निश्चित नहीं रहा, काफ़ी वाइब्रेंट रहा और आपको मालूम है कि काफ़ी रेनफॉल भी ज़्यादा इस साल हुआ, तो उस कारण कुछ फार्मर्स की ख़राब हुई है। अलबत्ता कुछ फार्मर ने इसमें बहुत अच्छी इनकम की है, क्योंकि ये नया शोभा है, नई चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए, तो हम इसमें ट्रेनिंग्स जो हैं उसका इजाफा करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि कैसे मशरूम को किया जाए। अलबत्ता मशरूम ही एक ऐसी क्रॉप है जो 4 गुना बिना ज़मीन के, जिन फार्मर्स के पास कम ज़मीन है, बिना ज़मीन के कम जगह में वो अपनी मशरूम की खेती कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैंने कहा सभी को कि एक ट्रेनिंग सेशन जो है लुआंग में ही करवाया जाएगा, किसान साथियों को अवगत करवाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कैसे मशरूम की खेती करें। और मैं आशा रखता हूं कि अगले साल गर्मियों में इसकी भरपूर खेती होगी और चूंकि ये ऑफ सीज़न मशरूम यहाँ हम ग्रो करेंगे, कठुआ की मार्केट में यहाँ से मशरूम जाएगी और लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से जो है एग्रीकल्चर महकमा जो है वो यहाँ के लोगों को हाइब्रिड किस्म का प्याज की पनीरी दे रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि उनको जो है वो लहसुन को हाइब्रिड किस्म का दिया जाए ताकि वो लहसुन की फसल ज़्यादा कर सकें, क्योंकि लहसुन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, हिल गार्लिक जो है, हिल गार्लिक का हमारे पास प्रोजेक्ट है, हिल गार्लिक की एक अपनी ही मैदानी इलाकों में डिमांड है। मैंने अभी भी अपने स्पीच में, अपने संबोधन में सभी से रिक्वेस्ट की है कि हिल गार्लिक कोई जितना लगाना चाहे वो लगा सकता है, हमारे पास बढ़िया किस्म का बीज है उसका, और उसकी कल्टीवेशन के बाद उसका जो बेचने का प्रबंध है वो भी हम कर देंगे। हिल गार्लिक पे सरकार का फोकस है कि हिल गार्लिक जो है यहाँ का
हर किसान लगाए। और जैसा कि आपने बताया XP रेड वैरायटी जो ओनियन की है उसने यहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। अभी सरपंच साहब भी आपके सामने कह रहे थे कि एक एक किलो का जो प्याज हुआ है इस बार, तो ये सारा हाइब्रिड सीड का कमाल है। और जैसे GS10 का बीज हमने बांटा, GS10 में बहुत बढ़िया मटर का ये बीज है और किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे ही हिल गार्लिक का बीज हम मुहैया करवाएंगे जिससे किसानों को काफ़ी आमदनी होगी और फायदा। इस वक्त अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी काफ़ी अरूज पर है, तो क्या जम्मू कश्मीर के जवानों के लिए, अगर हम यहाँ के जवानों की बात करें जहाँ आप जिस एरिया में आप तैनात हैं, तो क्या यहाँ के जवानों के लिए जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रोज़गार बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। और ख़ासकर HADP का जो प्रोग्राम बना है ये युवाओं को ही फोकस करके बनाया गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मधुमक्खी पालन 40% सब्सिडी से 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं। जहां हम 10 पेटियां देते थे उसकी जगह हम अब 35 पेटियों का एक यूनिट दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ 20-22 हज़ार रुपया वो युवा लगाए 1,17,000 रुपया उसको सब्सिडी मिलेगी और 35 यूनिट से वो अपना जो है रोज़गार शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ हाईटेक ग्रीन हाउस में, हाईटेक ग्रीन हाउस 500 स्क्वायर मीटर का वो लगाए जिसमें 95% सब्सिडी है, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में वो आगे बढ़ सकता है। और एग्रीकल्चर की तमाम ऐसी स्कीमें जो युवाओं को लाभान्वित कर सकती हैं, मैंने अपील भी की है सभी युवाओं से, मैंने यहाँ के अधिकारियों को कहा है कि युवाओं को इस शोबे में आगे आना चाहिए और उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से काफ़ी स्कीम हैं जो युवाओं को परमानेंट रोजगार दे सकती हैं। सर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ बहुत सी चीज़ें उगती हैं जैसे मक्की हो गई या गंदम हो गई। मक्की की फसल के वक्त यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में खीरे उगाते हैं। पंजाब के खीरे की कीमत 40 या 50 रुपये, लेकिन हमारे खीरे की कीमत 5 रुपये भी नहीं, ऐसा क्यों? जी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ का जो खीरा है हमारा उसकी कीमत उल्टा 40 से ज़्यादा होनी चाहिए जी, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि एक ऑर्गेनाइज्ड खेती करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खेती करें, सभी मिलके करें और इतनी मिकदार में वो चीज़ हो के जो व्यापारी है वो यहाँ आके ले जाए और उसका मूल्य पड़े। जब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उगाते हैं इस कारण से इस चीज़ की मार्केटिंग जो है मार्केटिंग में दिक्कत आती है, अदरवाइज़ हमारा खीरा वैसे ऑफ सीज़न में आपने देखा होगा 70-80 किलो रुपये किलो भी जाता है बनेगा। लेकिन यहाँ जो इस वक्त अगर हम बात करें आप खीरे का आगे सीज़न आने वाला है, तो क्या एग्रीकल्चर महकमा यहाँ के जो गरीब किसान हैं उनकी मदद करेगा कि खीरे जो है एक्सपोर्ट किए जाएँ? जी बिल्कुल मदद करेंगे, ऐसा हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उनसे राब्ता किया जाए और हम कठुआ मार्केट में मिल के उनका रेट बनवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे उनकी। थैंक यू सर, बात शुक्रिया सर।